दोस्तों डेवलपर ऑप्शन ये एक ऐसी सेटिंग है जो कि सभी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है। एंड आपको पता है इसके अंदर इतने हिडन सेटिंग दिए गए हैं जो आपको किसी और सेटिंग के अंदर नहीं मिलते। इन सभी सेटिंग का इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपने फोन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। अक्सर फोन में दोस्तों बैटरी की प्रॉब्लम आती है, हैंग प्रॉब्लम आती है, फोन का लैग प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क सही से नहीं आता, मतलब कि तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो सभी प्रॉब्लम का जो उपाय है, जो हिडन सेटिंग है दोस्तों, वो आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल जाता है। आज दोस्तों मैं आपको डेवलपर ऑप्शन की कई ऐसी हिडन सेटिंग बताऊंगा जो आपके फोन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को तुरंत फिक्स कर देगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आखिर आप डेवलपर सेटिंग को अपने फोन में कैसे ऑन करोगे। तो उसके लिए बस आपको सेटिंग के अंदर आना है, अबाउट फोन में जाना है। यहां पे दोस्तों अगर आपके फोन में MIUI वर्जन है तो आपको इसके ऊपर 7 बार टैप करना है, या फिर आपके फोन में बिल्ड नंबर होगा उस पर आपको 7 बार क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपके फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है ना ये ऑन हो जाता है। मेरे फोन का पहले से ही ऑन हो रखा है तो दोबारा ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहां पे आ जाना है एडिशनल सेटिंग या फिर एडवांस सेटिंग के अंदर। आपको ये जो डेवलपर ऑप्शन है ये देखने को मिल जाता है, आप यहां पे देख सकते हो। तो अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बताता हूं इसके अंदर जो हिडन सेटिंग दिए गए हैं। सबसे पहली सेटिंग है दोस्तों, अगर आपके फोन में कम GB का RAM दिया गया है और आप गेम खेलते हो, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लैग करता है, सही से गेम नहीं चलता, बहुत ज्यादा बोल सकते हो दिक्कत आती है, तो इसके अंदर एक हिडन सेटिंग है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। उस सेटिंग को ऑन करने के बाद ना दोस्तों सभी जो प्रॉब्लम होगी वो तुरंत फिक्स हो जाएगी। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो ये है Force 4X MSAA। ये सेटिंग अगर आप ऑन कर देते हो एंड आपके फोन में कम GB का RAM दिया गया है, तभी दोस्तों आप बड़े से बड़े गेम को आप अपने फोन में खेलोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, एंड ज्यादा पिंग भी हाई नहीं आएगा, गेम लैग भी नहीं करेगा, मतलब कि बोल सकते हो ना 90% प्रॉब्लम दोस्तों सिर्फ एक सेटिंग से आपके फोन की सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपके फोन में कम GB RAM है तो इसे जरूर से जरूर ट्राई करना। सेकंड चीज दोस्तों, अगर आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, आप ज्यादा अपने फोन को यूज भी नहीं करते हो फिर भी देखते हो आपके फोन की बैटरी जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, तो इसी डेवलपर ऑप्शन के अंदर एक और सेटिंग दिया गया है जिसे बस आपको कर लेना है। यहां पे आप देखोगे डोंट कीप एक्टिविटी, ये आपको ऑन कर देना है। नीचे आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड यहां से आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये दो सेटिंग अगर आप अपने फोन में कर देते हो, मैं इतना गारंटी देता हूं दोस्तों आपके फोन की बैटरी ऑटोमेटिक कभी भी खत्म नहीं होगी, मतलब जो खुद में यूज हो जा रही थी वो कभी भी नहीं होगा, एंड लंबे समय तक आप अपने फोन की बैटरी यूज कर सकते हो सिर्फ ये दो सेटिंग आप अपने फोन में ऑन कर दोगे। तो ये भी दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही मिल जाते हैं और कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हो गई गाइस दूसरी सेटिंग। अब बात करते हैं तीसरी सेटिंग की। मान लीजिए आपका जो फोन है बहुत ज्यादा हैंग करता है, आप बहुत ज्यादा मतलब कि कुछ भी करते हो अपने फोन में देख लीजिए हैंग कर रहा है, ऐसे मतलब समझ लीजिए एक बार को कि फोन बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए ना दोस्तों वापस से आपको सेटिंग के अंदर ही जाना है, सेम जगह पे आपको जाना है जो कि एडिशनल सेटिंग है, उसके बाद आपको आ जाना है डेवलपर ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर दोस्तों ना आपको 3 ऐसे सेटिंग दिए गए हैं जिसे अगर आप बंद कर दोगे तो आपके फोन का जो हैंग प्रॉब्लम है ये परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं ये सेटिंग है कहां पे। उसके लिए बस आपको नीचे आते रहना है, यहीं पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप देख लीजिए विंडो एनिमेशन स्केल दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसे आपको ऑफ कर देना है। ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसे भी आपको ऑफ कर देना है। एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसे भी दोस्तों यहां से बंद कर देना है। अब ये सभी चीजें बंद करने के बाद दोस्तों आपका जो फोन है वो काफी फास्ट वर्क करेगा। आप यहां पे खुद ही देख लीजिए कितना फास्ट आपका फोन, मतलब कि जैसे ही आप क्लिक करोगे ना वैसे ही आपके फोन में वो एक्शन हो जाएगा, बहुत ही फास्ट मतलब कि आपका फोन चलने वाला है। आप यहां पे खुद ही देख सकते हो कुछ भी आप क्लिक करोगे फटाक से दोस्तों आपके फोन में ओपन हो जाएगा। तो ये हो गई गाइस तीसरी सेटिंग। अब दोस्तों मैं आपको डेवलपर ऑप्शन की फोर्थ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए आपके फोन का स्टोरेज बार बार फुल हो जाता है, आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाते हो तो आपको दिखाता है कि स्टोरेज फुल हो रखा है, डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको बताऊं दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के अंदर एक ऐसी सेटिंग है जिसे अगर आप कर दोगे तो आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना वो दोस्तों आपके इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल ना होके वो डायरेक्टली दोस्तों आपके मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल होगा। यहां पे दोस्तों आप देख लीजिए ये रहा वो सेटिंग जिसका नेम है फोर्स अलाउ एप्स टू
राइट ऑन एक्सटर्नल। ये जो सेटिंग आप देख रहे हो ये बाय डिफॉल्ट दोस्तों आपके फोन में बंद होगा, तो इसे बस आपको चालू कर देना है। इसे चालू करने के बाद जब भी आप कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या फिर कहीं से भी इंस्टॉल करोगे ना, तो वो एप्लीकेशन दोस्तों आपके इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल ना होके जो मेमोरी कार्ड आप अपने फोन में लगाए रहोगे उसमें इंस्टॉल होगा, समझ रहे होगा इस। तो इससे आपके फोन का जो इंटरनल स्टोरेज हो बहुत ज्यादा फ्री रहेगा। तो इस ट्रिक का या फिर इस सेटिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग आपके फोन के डेवलपर ऑप्शन में मिल जाता है। अब दोस्तों इस डेवलपर ऑप्शन का मैं पांचवा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड खास करके आज की डेट में। आज की डेट में दोस्तों आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फ्रॉड वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा स्पाई एप्लीकेशन आते हैं, बहुत सारे ऐसे जो हिडन सेटिंग होते हैं कोई हमारे फोन में ऑन कर देता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन आपके डेवलपर ऑप्शन के अंदर एक ऐसी सेटिंग दी गई है जिसे अगर आप ऑन करके रखते हो तो कोई भी आपके फोन में गलत काम करने की कोशिश करेगा तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों बस आपको ये वाली जो सेटिंग दिया गया है जिसका नेम है नोटिफाई अबाउट हाई रिस्क फीचर, इसे आपको ऑन कर देना है। अब दोस्तों अगर आपके फोन में कोई हाई रिस्क वाली फीचर कोई एक्टिवेट करेगा ना, तो आपको तुरंत दोस्तों यहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये चीज गलत है आपके फोन में, उसे तुरंत आप डिलीट कर सकते हो या फिर उस फीचर को आप बंद कर सकते हो। तो समझ लो गाइस ये कितनी इंपॉर्टेंट सेटिंग दी गई है आपके डेवलपर ऑप्शन के अंदर। तो ये दोस्तों पांच इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया जो आपके फोन के डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाते हैं। इन सभी का यूज करके दोस्तों आप अपने फोन को एक नेक्स्ट लेवल का बना सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।